समस्या विकराल हो चुकी। नगर निगम और जल शक्ति विभाग दोनों आमने सामने हैं, लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही। आज आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई, तो क्या आ रहा है? पिछले कई दिनों से जो सोलन शहर में पानी की कमी है उसके बारे में लोगों की शिकायतें भी आ रही थी, मीडिया में भी एक विषय काफ़ी प्रमुख रूप से उठाया जा रहा था, और मैंने कल दोनों विभागों से बात की थी कि क्या स्थिति है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सामंजस्य की कमी थी, दोनों विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो इसी के लिए आज हमने बैठक बुलाई थी कि आखिरकार ये जो समस्या है इसके क्या कारण है, इसकी गहराई में इसके बारे में चर्चा की जाए और इस बारे में कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो जो मेरी जानकारी में पिछले 15 दिन का जो डेटा था, जो IPH पंपिंग कर रहा है, जो पानी MC को दे रहा है, वो एवरेज 66 लाख लीटर एवरेज पिछले 15 दिनों की है। उसमें कुछ दिनों में 30-35 लाख भी है कि कई दिनों में 75 लाख लीटर से भी ज़्यादा पानी उन्होंने दिया है। और जो अगर हम देखें जिस तरह से नगर निगम 5 दिन बाद पानी दे रहा है, उसके हिसाब से वो पानी की जो आपूर्ति IPH डिपार्टमेंट कर रहा है वो लगता है पर्याप्त है। उसके बाद हमने जो नगर निगम से फिर बात की थी, उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज नज़र आ रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं। शहर में अभी तक जो कनेक्शनों की संख्या मुझे बताएगी 8,800 के करीब है, और ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शहर में बहुत सारे अवैध कनेक्शन लोगों ने ले रखे होंगे, जो चोरी छुपे या छुपा के कहीं अंडरग्राउंड पाइप से होंगे। तो हमने ये MC को ये निर्देश दिए हैं कि वो आने वाले 15 दिनों में जो अवैध कनेक्शन हैं इनके बारे में ज़रा छानबीन करें और सभी वार्डों में ये अभियान चलाया जाए। दूसरा, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रखी है, उनके लिए भी हमने ये कहा है कि उनकी रिक्वायरमेंट को देख के अगर एक्सेसिव ज़्यादा है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, तो उनके उन टैंक्स को, कुछ टैंक्स जो एक्सेस है उनको डिस्कनेक्ट किया जाए। तीसरा था जो ओवरफ्लो करते रहते हैं टैंक या पानी की लाइनें लीक करती है, उसको भी समय रहते चेक किया जाए। चौथा, जो कमर्शियल एक्टिविटी है, खासकर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ये पानी यूज़ हो रहा है, उसको रोका जाए। इसके अलावा जो अन्य जो भी जो हमारे स्टाफ हैं, जो की मैन हैं, जो कोर्ट हैं, उनकी भी निगरानी रखी जाए। और कई बार कई जगह देखने में आ रहा है कि कई बार पानी छोड़ा जाता है और निचले इलाकों में तो प्रेशर के साथ जाता है, ऊपर वाले इलाकों में वो प्रेशर नहीं बनता है। उसके लिए भी व्यवस्था के लिए इनको कहा गया है कि कई निचले इलाकों में कोई वाल्व रखे जाए, जब उनकी अपना पानी की आपूर्ति पूरी हो जाए तो वहाँ बंद करके, ताकि ऊपर वाले इलाकों में पानी की सप्लाई दी जा सके। साथ ही में जो कई लोगों ने प्राइवेट पंप लगा रखे हैं उनको भी चेक करके उनको हटा दिया जाए। तो ये निर्णय हुए। इसके साथ साथ जो कमर्शियल है, जो होटल्स है या कमर्शियल जहाँ पानी की खपत ज़्यादा होती है, उन लोगों को एक बार फिर चेक किया जाए। वहाँ पे भी ऐसा बताया गया कि कई कईयों ने 5-5, 6-6 कनेक्शन ले रखे हैं, उन कनेक्शंस को भी एक बार देखा जाए, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही उनको रेगुलेट किया जाए। सर, जैसे आपने बताया कि ऑन एवरेज 66 लाख लीटर तक पानी प्रतिदिन मिल रहा है, तो शहर में सर, क्योंकि पहले जब 90 लाख तक आ रहा था तो तीसरे दिन पानी मिल रहा था, तो इसी हिसाब से तो सर शहर में जो 6-7-8 दिन बाद पानी मिल रहा, तो इसकी वजह क्या लग रही है? चौथे दिन दे देते तो नहीं, थोड़ी दिन पीछे थोड़ी सप्लाई कम हुई होगी या जो कंजम्पशन बढ़ जाती है गर्मियों में, वो भी एक कारण रहा होगा। परंतु जो अगर 5वें दिन के साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी या पिछले 15 दिन की जो एवरेज है वो सफिशेंट है, पानी की सप्लाई उतनी कम नहीं की है IPH ने, जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि शायद IPH ने कर। दूसरी चीज़ जो IPH वालों की दिक्कत है कि कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से उनके पानी की सप्लाई में दिक्कत आती है, या कई बार बिजली की आपूर्ति भी बंद होती है। तो उसके लिए हमने बिजली बोर्ड से भी एक्शन सबको बुलाया था, उनके साथ बातचीत हुई थी और उनको भी यही आग्रह किया गया कि अश्विनी खट उनके पास एरिया है कि वहाँ पर नियमित बिजली की आपूर्ति रखी जाए, ताकि पानी की सप्लाई सोलन शहर के लिए सुनिश्चित की जा सके। सर, एक बात और देखने को आई कि जित काफ़ी ज़्यादा ऐसी सरकारी बिल्डिंग है, चाहे आवासीय बिल्डिंग है, चाहे सरकारी ऑफिस की बिल्डिंग है, उनमें पानी के लीक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। सर नहीं, वो हमने कहा है कि अगर कोई ऐसे
ज़्यादा पानी वेस्ट होता है ओवरफ्लो कर रहे टैंक, उन लोगों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सर मेन ये है कि पानी पर्याप्त मात्रा में है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की एक सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। ऐसा ही प्रतीत होता है कि जिस तरह की एवरेज डेटा जो मेरे पास था अभी मेरे लिखा हुआ है, तो उसमें तो यही है कि एवरेज जो हमारे पास आ रहा है 66 लाख लीटर पर डे के हिसाब से पंपिंग हो रही है, तो मैं कहते अगर पाँचों दिन की साइकिल से देखा जाए तो वो सफिशिएंट है कि एक नंबर वार्ड पूरी तरह से आईपीएच पानी सप्लाई करता है, इसके अलावा 7 वार्ड और है जिसमें पार्शियली आईपीएच भी पानी देता है, और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कई लोगों ने दोनों एजेंसी से कनेक्शन ले रखे होंगे, आईपीएच से भी ले रखा होगा और कमेटी से भी ले रखा होगा, तो उन कनेक्शंस की भी छानबीन के लिए हमने कहा है कि उनको छानबीन की जाए और एक एजेंसी का ही कनेक्शन एक परिवार को दिया जाए। ठीक है।